सुबह मैं देख लूँ आपको, क्या फॉग, क्या फॉग या पोल्यूशन। गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं 5:22 और मैं भूल गई थी कि मुझे ब्लॉग करना रहता है। मैंने मेरी एक पेंटिंग जो मैंने मंडाला की थी वो एक सेल हुई, तो मुझे जोश आ गया तो मैंने बहुत सारा मंडाला किया मगर उसमें मैं भूल गई कि मुझे ये करना है। अभी मैं अपना फ़ोन का चार्जर अंदर लेने के कैमरा देख के मुझे आया दायरे, खाना भी मैंने खा लिया। स्वाति को मैंने मना कर दिया कि आज आने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कृपाणु देव की फ़ोटो है यहाँ पर और वहीं से थोड़ा सा ऐसा ग्लो आ रहा है, सच अ नाइस फ्रेम। तो राकेश आ जाएगा 6 बजे के बाद तक, 6:15-6:30 तक। और हम लोग अभी बाहर जाने वाले हैं तो उसकी थोड़ी सी हम लोग ये करेंगे, देवलाली जाएंगे। तो कल जो सत्संग में हुआ उसका आज भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स था, तो वो मैं सब ढूंढ रही थी। एक हमारे मतलब एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं नित्य निगोदर, बादर निगोद या इतर निगोद, तो वो क्या होता है। तो बस वही सब चीज़ थी, तो वो सब मैं थोड़ा ढूंढ रही थी, थोड़ा सुन रही थी, थोड़ा यूट्यूब से सुनते हैं, थोड़ा किसी और को सुनते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, तो उस तरह से आंसर्स मिलते हैं। और कल मैं उधर से खाकरा भी नहीं ले पाई और पीनट्स भी नहीं ले पाई। घटकोपर में कुछ अलग क्वालिटी के अच्छा मिल जाता है, मगर कोई बात नहीं। अब मैं अभी तो जा रही हूँ वहाँ देवलाली, जब हम वापस आएंगे और फिर सत्संग जब अटेंड करेंगे तब जरूर जाएंगे। फिर अभी तो राकेश का वेट करते हैं और देखते हैं। देखिए मस्त सनसेट हो रहा है, सुंदर लगता है। 56 नाइफ्स आके बैठ गया है यहाँ पे, इसको हम लोग 56 नाइफ्स मतलब 56 छुरी और 56 नाइफ्स 56 डॉट्स 56 टिकली टिकली भी बोलते हैं हम लोग, ये भी बोलते हैं। तो चलो वो आया है, तो मैंने रख दी है चाय। पहले मैंने सोचा था कुछ ढोकला वोकला बनाऊं, पर फिर मैंने बोला भी रहने दो, फिर खाने को फिर बहुत देर हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर में मैंने यहाँ निकाल दी है थोड़ी बिस्किट, और ये है ना थोड़ा स्वीट आ गया है, तो ये तो स्वाति को ही दूंगी अभी मैं। ये सॉल्टेड बूंदी है थोड़ी, राकेश को अलग से दे देते हैं। ये बन रहा है बासमती जीरा राइस अभी। तो देखिए थोड़ा सा पुलाव के लिए जो मंगाया था ना, फिर वो बच गया था। अभी जाना है हम लोग को देवलाली, तो मैंने बोला इसको ख़त्म कर देते हैं, वो अच्छा रहेगा। पकड़ इसको जो रहते हैं। तो रात हो गई है और आज काफ़ी थकान लग रही थी दोनों को, तो ये एडिटिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग एक देख रहे हैं को एक सीरीज़ नहीं बोलना चाहिए उसको, ब्लॉग की सीरीज़ मुंबई टू लंदन रोड ट्रिप। इंटरेस्टिंग है, पर मुझे लगा इंडिया मुंबई से जाने से अच्छा है, क्योंकि मुंबई से शिप में जाती है तो उसका बजट उसका कुछ 30 या 35 लाख का उसने बताया है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कहीं जाने का, देखते हैं। बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ है उसको तैयारी, ये जो यूट्यूबर गया उसकी तैयारी, जबकि इतना ईसो वेल कनेक्टेड मैं तो क्या हूँ, मुझे तो मेरे शायद पूरे घर के लोग भी ठीक से नहीं जानते, पूरा इंडिया क्या जानेगा। तो प्रिपरेशन उसने एक साल किया, वही मैं बोल रही हूँ, विद सो मेनी कॉन्टैक्ट विद सो मेनी रिसोर्सेज ही हैज टेकन 1 ईयर। मेरे को तो कोई जानता नहीं है और हम लोग का ऐसा आइडिया है तो कोई का हेल्प क्या करेगा क्या करेगा, एनी विच वेज बट हम लोग को करना है, यस ज़रूर। और मज़े की बात यह है कि मैं ये इतना ऐसा देखती नहीं हूँ इतना गौर से, मगर ही हैज़ टेकन माई फेवरेट कार स्कॉर्पियो एन। तो वो स्कॉर्पियो एन का और उसका जो फीचर्स था ना राकेश, बहुत ही अच्छा है इसका फीचर्स और वो सब। तो अभी उससे एडवांस वर्जन आया है, हाँ, और हैरियर का भी नया आया है ना, और महिंद्रा का वो बार बार बोल रहा था ना वो लड़का कि महिंद्रा वालों ने तो कुछ स्पॉन्सर नहीं किया ये नहीं, पर वो जब बॉम्बे आया और उसकी गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम जब आया था, जब वो रैप पर आया था ना, तो वो गाड़ी ठीक से बंद नहीं किया था रैप वाले ने, तो ये महिंद्रा वालों ने वो किया और उसको 2000 रुपीज़ का फ्री का वो भी दिया डीजल, विच इज़ अ बिग थिंग, विच इज़ अ गुड जेस्चर। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग देख रहे हैं, राकेश आ रहा है वहाँ, यहाँ मैंने लिया है, हम लोग ने जीरा राइस बनाया था। हमारी भिंडी कैसी लग रही है,
मैं तो भिंडी नहीं खा सकती, मेरे दांत दुखते हैं।